हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की मोंगो टीवी के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बैकअप्स एंड रीस्टोर। आप वैल्यू अपने जो मोंगो टीवी डेटाबेस है उसे आप बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे और रीस्टोर कैसे करेंगे और वैल्यू को, वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो है मोंगो का, हमने सब कुछ पाथ सेट किया हुआ है, सब कुछ हमने किया हुआ है। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया हो और प्रोसेस नहीं की हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, मोंगो डीबी को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाथ भी आपका सेट है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँ, क्योंकि जब भी आप मोंगो डीबी की बैकअप करते हैं तो आपके पास एक फंक्शन टर्म इसमें यूज होता है वेरिएबल मोंगो डम्प। सो अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको राइटअप करूँ, मोंगो डम्प डंप आप लिखेंगे तो ये आपको बोल रहा है मोंगो डंप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि ये अभी आपका कोई भी कमांड नहीं है, आपके जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल नहीं हुए आपके सिस्टम पे। तो सबसे पहले आपको इसमें डाउनलोड करना है मोंगो डीबी कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स। सो ब्राउजर पे आप जाइए, ब्राउजर पे आपको डाउनलोड करने हैं मोंगो डीबी कमांड लाइन मोंगो डीबी डेटाबेस टूल, ये आप राइटअप कर दीजिए। राइटअप आप करेंगे, डाउनलोड मोंगो डीबी कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स, आप इसे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक आप करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये आपको इस वे में शो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है मोंगो डीबी डेटाबेस टूल्स, देन इसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। अवेलेबल डाउनलोड ये है आपका, एंड जीप आपको डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एम एस आई एंड डाउनलोड इट, क्योंकि MSI आपको प्रॉपर एक्सटेंशन आपको शो करेगा। तो ये आप डाउनलोड करेंगे एंड इसके बाद इसे क्या करना है, अपने इंस्टॉल करना है, फिर आप पाथ इसका सेट करेंगे, देन आप परफॉर्म करेंगे मोंगो डंप ऑपरेशन। थोड़ा सा हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। देन आपको इसको इंस्टॉल करना है, फोल्डर पे आप जाइए, डबल क्लिक आप कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, इजीली डाउनलोड हो जाएगा आपका ये। आई एक्सेप्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए आप, एंड नेक्स्ट करेंगे आप एंड इंस्टॉल कर देंगे। परमिशन आपसे मांगेगा तो आप इसे अलाउ कर दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए, मीन्स आपके टूल इंस्टॉल हो चुके हैं। टूल इंस्टॉल हो चुके हैं, आप सी ड्राइव में जाके चेक कर सकते हैं। सी पे जाएंगे आप, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जहां आपका मोंगो टीवी फोल्डर है इसके अंदर टूल्स आप देखें तो ये 100 टूल्स आपके इंस्टॉल हुए हैं। बिन इस बिन तक के पाथ को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना, क्योंकि ये पाथ आप वहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। सो कॉपी आप कर दीजिए, देन आप जाइए यहाँ पर सर्च मेन्यू पे और यहाँ पर लिखना है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल को आप क्लिक करेंगे, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आप जाइए, पाथ पाथ पे आपका एडिट करना है आपने, एडिट करके आपको न्यू ऐड करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप नया पाथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन ओके, देन अगेन ओके एंड ओके आप कर देंगे। तो ये आपका पाथ भी सेट हो चुका है एंड आपका टूल्स जो हुए वो इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम पे। ओके, अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD आप ओपन कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट हमारा जो मोंगो डीबी है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल है, पाथ हमने सब सेट किया हुआ है। मोंगो को हम लोग स्टार्ट करें, मोंगो आपने स्टार्ट किया, वर्जन आपका शो डेटाबेसेस DBS आपने यहाँ पर राइटअप कर दिया है, एंटर आप करेंगे तो हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं मोंगो डीबी के अंदर वो एडमिन एंड कॉन्फिगर एंड लोकल है। सो मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैंने लिखा यूज डेटाबेस का नेम एज अ यूट्यूब स्विच हो गया है डेटाबेस, देन मैं यहाँ पर राइटअप कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन, हम लोग कलेक्शन इसमें क्रिएट कर रहे हैं तो सीधे हम लोग इंसर्ट करते हैं db.db.collection कलेक्शन नेम हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट, देन आप यहाँ पर लिख दीजिए डॉट इंसर्ट। इंसर्ट आप करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हम लोग सिंगल वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, नेम एज अ क्लास मैंने यहाँ पर
इंसर्ट कर दिया है, एंटर आप करेंगे तो वन वैल्यू आपकी इंसर्ट हो चुकी है इस डेटाबेस के अंदर। तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट डेटाबेस और क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, देन यूज़ हमने सॉरी आपका डेटाबेस तो सेम ही है, कलेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डीबी डॉट एम्प्लॉय। अगर आपको पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको रिस्टोर कर सकते हैं और उसे आप बैकअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, नेम इज सो आपका पहले से अगर डेटाबेस कोई डेटाबेस है उसको आपको बैकअप करना है तो वो उसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो डेटाबेसेस बना दिए हैं, सॉरी दो कलेक्शन आपके क्रिएट कर दिए हैं, कलेक्शंस ये मैंने राइटअप किया। एंटर करेंगे आप तो आपके हमारे दो कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। सो अब हमें ये डंप परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप कहीं भी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर दिए जिसके अंदर आप इसे स्टोर करेंगे। तो मैं सी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फोल्डर का नाम मैं लिखता हूँ बैकअप। बैकअप मैंने राइट अप कर दिया फोल्डर का नेम, एंड इस बैकअप का जो पाथ होगा एक्चुअल में वो है सी एंड बैकअप। सो ये पाथ आप कॉपी कर लीजिए या डायरेक्ट वहां लिख भी सकते हैं आप। नेक्स्ट कमांड फ्रॉम आप ओपन कर दीजिए, बैकअप फाइल आपकी इनिशियली यहाँ स्टोर होगी। सो कमांड फ्रॉम हमने ओपन किया सी डी, देन स्पेस देके आप उसे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो अभी आप पहुंच चुके हैं बैकअप के अंदर। इनिशियली आप चेक कीजिए अपने बैकअप फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ भी यहाँ पर क्रिएट नहीं है, बैकअप अभी आप ब्लैंक है। अब हम लोग इसमें डंप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है मोंगो डंप, मोंगो डंप आप राइट अप करेंगे, एंटर आप कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी डंप फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपके फोल्डर किस फोल्डर के अंदर, बैकअप जो आपका यहाँ पर फोल्डर का पाथ होगा उसी के अंदर आपका वो बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट अब देखिए बैकअप के अंदर डंप नेम का एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर आपके दो हमारे कलेक्शन क्रिएट हो चुके हैं एडमिन एंड यूट्यूब। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप मोंगो डीबी में आए और मोंगो डीबी में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पर। सो अभी इनिशियली आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो डेटाबेस आपको शो हो रहा है। डेटाबेस है आपके टू डेटाबेसेस है इसमें। शो डेटाबेस अगर फिर से करें आप, शो कलेक्शन, शो कलेक्शन आप करेंगे तो आपके पास टू कलेक्शन है। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से वैल्यू रिमूव करनी, मीन्स डेटाबेस को हम रिमूव करते हैं उसके बाद हम इसे रिस्टोर करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिखा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस कर देंगे मीन्स डेटाबेस हमारा यहाँ पर से रिमूव हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर शो डेटाबेस आप करेंगे, शो डीबीएस अगर आप करते हैं तो चेक कीजिए अभी आपका जो डेटाबेस था एक्चुअल में जो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ था वो हमने एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट किया था, न्यू डेटाबेस हमने क्रिएट किया था यूट्यूब, उसके अंदर टू फील्ड हमने ली थी एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, बट वो डेटाबेस हमने ड्रॉप कर दिया। तो आपका डेटाबेस जो हो गया वहाँ यहाँ से ड्रॉप हो चुका है, मीन्स वो आपका अब ड्रॉप हो चुका है बट आपने उसे रिस्टोर किया हुआ है। अब दोबारा से हम उसे क्या करेंगे, उस डेटाबेस को हम लोग रिस्टोर करते हैं। बैकअप तो आपने लिया हुआ है, अब हम उसे रिस्टोर करेंगे डेटाबेस से। तो रिस्टोर करने के लिए आपको सेम पाथ का नेम देना है और उसे मोंगो डीबी रिस्टोर कर देना है। तो कमांड लाइन पे जाइए आप, देखिए उसी फोल्डर पे हैं आप, और यहां पर अगर मैं लिख दूं मोंगो रिस्टोर, मोंगो रिस्टोर आप करेंगे, एंटर करेंगे आप तो देखिए ये आपको बोल रहा है टू डॉक्यूमेंट रिस्टोर सक्सेसफुली, एंड ये सब कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट आप मोंगो में जाइए, देन अगेन आप यहां पर लिखिए शो डेटाबेसेस, डीबीएस आप राइट अप करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपका यूट्यूब एक डेटाबेस यहां पर क्रिएट हो चुका है। यूज आप यूट्यूब करेंगे एंड इसके अंदर आपके टू कलेक्शन क्रिएट किए थे आपने, वो कलेक्शन का नेम आप यहां पर राइट अप करेंगे। सो मैं लिखता हूँ शो कलेक्शंस, एंटर आप करेंगे तो ये दो कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप वैल्यू को बैकअप ले सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। आप पर्टिकुलर वैल्यू को भी रीस्टोर कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास मेथड है, एंड लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस का पर्टिकुलर नेम भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं रीस्टोर एंड बैकअप में। तो ये सिंपल कोड है आपका रीस्टोर एंड बैकअप का।
यहाँ पर हमने दोनों कलेक्शन को एक्सेस किया। मान लीजिए आपके पास एक यूट्यूब है, यूट्यूब आपका वैल्यू है, और आप यहाँ पर से ड्रॉप कर देते हैं किसी एक कलेक्शन को। सो पहले आप इसका बैकअप ले लीजिए। मैं अभी केवल इस सिंगल कलेक्शन का बैकअप ले रहा हूँ। अभी तो आपने जितने भी आपके कलेक्शन सभी का बैकअप लिया है, अब हम एक सिंगल बैकअप लेंगे सिंगल कलेक्शन का। सो एक नई फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। सेम फोल्डर पे आप क्रिएट करेंगे तो दोनों बैकअप आपको शो करेगा। तो सी पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, बैकअप टू, बैकअप वन। ये बैकअप वन आपका हो चुका है। इसके अंदर हमारा डंप नेम का फोल्डर आएगा, तो आप सेव कर लीजिए इसको। एंड अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए, सीडी देन पाथ दे दीजिए, ये पाथ दे दीजिए बैकअप वन का। सो अभी आप जो एक्चुअल में है वो बैकअप वन के अंदर है। अब आपको बैकअप लेना है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, मीन्स डेटाबेस के अंदर पर्टिकुलर कलेक्शन का आपको बैकअप लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोंगो मोंगो डंप, मोंगो डंप आपने लिखा। इसके बाद डीबी, डेटाबेस का नेम आप लिखेंगे यहाँ पर डीबी। देन उसके बाद आप डेटाबेस का नेम यहाँ पर राइट अप कर देंगे। सो डेटाबेस का नेम है हमारा, अगर आप देखें तो आपके डेटाबेस का नेम है कलेक्शन, सॉरी डेटाबेस का नेम है यूट्यूब। सो आप यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब। एंड नेक्स्ट कंडीशन में यूट्यूब है आपका, देन आपको यहाँ पर लिखना है कलेक्शन का नेम, कलेक्शन। इस कलेक्शन का आप बैकअप ले रहे हैं अभी, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास दो कलेक्शन है, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। सो अभी हम स्टूडेंट का बैकअप ले लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट। एक सिंगल कलेक्शन का भी आप बैकअप ले सकते हैं। तो यूट्यूब के अंदर जो कलेक्शन हमारा है स्टूडेंट, उसका बैकअप हम लोग यहाँ पर एक्सेस करें। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, सो राइट आपका स्टोर हो चुका है स्टूडेंट। आप फोल्डर के अंदर जाएंगे आप, तो देखिए बैकअप वन के अंदर डंप नेम का एक फोल्डर बन चुका है। यूट्यूब, केवल यूट्यूब का आपका डेटा यहाँ पर एक्सेस, यूट्यूब के अंदर स्टूडेंट का डेटा आपका एक्सेस हुआ है। स्टूडेंट का डेटा आपने बैकअप लिया है। अब आप ड्रॉप कर दीजिए स्टूडेंट को। स्टूडेंट को आप ड्रॉप करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, जो भी आप डेटाबेस यूज करें, डीबी डॉट देन कलेक्शन का नेम स्टूडेंट डॉट ड्रॉप। अभी हम इसे रिस्टोर भी करेंगे। ड्रॉप मैंने किया, ट्रू हो गया है। अब आप शो कीजिए कलेक्शन, शो कलेक्शन, ये आपने परफॉर्म करना है मोंगो डीबी के अंदर। सो कलेक्शन आप शो करें तो आपको केवल यहां पर एम्प्लॉय मिल रहा है। नाउ अब हम उससे क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे आपके सिंगल डेटाबेस को। सो सिंगल कलेक्शन को हम लोग रीस्टोर करेंगे। तो आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, नेक्स्ट पाथ आपका यही रहेगा, पाथ आपका यही रहेगा। देन आपको लिखना है मोंगो रीस्टोर, मोंगो रिस्टोर, देन वही डीबी आपका होगा डेटाबेस, किसके अंदर आपने इसे रिस्टोर करना है, इस यूट्यूब। देन कलेक्शन आपका, कलेक्शन का नेम आप चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग वही लिखते हैं स्टूडेंट। देन उसके बाद आप यहाँ पर पाथ देंगे कि जो आपका कलेक्शन पाथ है बीशन डिटेल। सो आप देखिए बैकअप के अंदर आपका स्टूडेंट डॉट बेशन नाम का फोल्डर है। तो ये आप पूरा बैकअप, ये पाथ कॉपी कीजिए, अदरवाइज आप राइटअप भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट डॉट बेशन आपको राइटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद स्लैश में आपने लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके डेटा कलेक्शन के नाम है स्टूडेंट डॉट बेशन। बेशन फॉर्मेट बाई डिफॉल्ट आपका यहाँ पर जो सॉरी आपने जो डंप फाइल क्रिएट की थी वो स्टूडेंट डॉट बेशन की है, और इसी के थ्रू आपका ये एक्सेस होगा। सो आपने यहाँ पर राइट अप किया, देन एंटर आप करेंगे। सो ये रिस्टोर हो चुका है, वन डॉक्यूमेंट रिस्टोर सक्सेसफुली। नाउ यू कैन गो यूर मोंगोज एंड अगेन यू राइट हियर शो शो डीबीएस, डीबीएस आप राइट अप करेंगे। तो देखिए डेटाबेसेस आपके सारे मिल रहे हैं। एंड इसके बाद आप यूज कर लीजिए एक डेटाबेस को, और उसमें आप चेक कीजिए कि आपका पर्टिकुलर डेटाबेस शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। शो डेटाबेस आपने किया, अब यहाँ पर आप कर दीजिए यूज कलेक्शन को, लिखिए यूज, आपने यूट्यूब को यूज किया। देन अब यहाँ पर आप कीजिए शो कलेक्शन, आपने इसको रिस्टोर कर दिया है, आपने स्टूडेंट को रिस्टोर कर दिया, तो स्टूडेंट डेटा आपका यहाँ पर, सॉरी कलेक्शन जो है वो रिस्टोर हो चुका है। तो इस टाइप से आप सिंगल कलेक्शन को भी रिस्टोर कर सकते हैं मोंगो डीबी में।
ये था आपका कोड रिस्टोर एंड स्टोरेज का। थैंक यू फ्रेंड।